श्री कृष्ण जन्म स्थान व मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद में आज सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 4 मई नियत की गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हुई सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष वादी दिनेश शर्मा के वाद पर सुनवाई की गई। वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति 13.37 एकड़ भूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हो रही है। सुनवाई में ईदगाह मस्जिद के पैरोकार भी हाजिर हुए। ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने न्यायालय से वादी की नकल मांगी है। सुनवाई की अगली तारीख 4 मई 2022 मुकर्रर की गई है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। आज 15 अप्रैल को माननीय न्यायालय में हमारी सुनवाई होनी थी, तो जो दूसरी पार्टी है ईदगाह वाली, इंतजामिया कमेटी वाले लोग आज हाजिर हुए और उन्होंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि हमें कुछ समय दिया जाए। हमारे जो बात पत्र है उसकी उन्होंने नकल मांगी है। हमने पिछला जो माननीय न्यायालय को जो एप्लीकेशन लगाई थी कि जो ईदगाह के नीचे जो हमारे प्राचीन भगवान कृष्ण के मंदिर के जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसके जो प्राचीन शिलालेख हैं, उन शिलालेखों को ईदगाह के नीचे दबे हुए हैं, उनको ये लोग नष्ट कर सकते हैं, उन सबूतों को ये हटा सकते हैं। इस वजह से हमने प्रार्थना पत्र लगाया था। तो आज माननीय न्यायालय में इंतजामिया कमेटी के जो सचिव हैं माननीय तनवीर अहमद, उन्होंने माननीय न्यायालय से समय मांगा है और माननीय न्यायालय ने 4 मई को अगली डेट सुनवाई कर दी है। कितनी देर बहस रही बहस के अंदर? दोनों अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई। बहस के बाद माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि आपकी अगली तारीख 4 मई है, उस 4 मई को आपको जवाब दाखिल करना होगा। जो अपोजिट पार्टी वाले, उनको जवाब दाखिल करना 4 मई को। अलवर में